हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियोस में हम आप सबको सेंटअप एग्ज़ाम 2024 जो 2024 हो रहा है उसमें हम संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर की लेकर आया हूँ। संस्कृत सब्जेक्ट्स है, इसका 100% करेक्ट आंसर की है और ये संभावित पेपर है क्लास टेंथ वालों के लिए, है ना। टेंथ जो भी स्टूडेंट्स है सेंटअप एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए है। आप वीडियो पूरा देखिए और अपने आकलन कीजिए कि आपकी कितनी तैयारी, और वीडियो पूरा देखिएगा तभी मज़ा आएगा। और सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा सवाल है, आपको 100 प्रश्न आएंगे जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 ही टिक करना होता है, ठीक है ना। जब अल्स है ना सालम में आग लगी तब कौन भाग गया, तो पहले कैसे होगा, धूर्त भाग गया था, ठीक है। दूसरा हमारा सवाल है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो यहाँ होगा गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था, है ना। दो का ए हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल है, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए, तो देशभक्ति होना चाहिए। तीन का डी सही है। चार नंबर सवाल है कि किशोरी में कौन सी प्रत्यय है, किशोरी तो आपका होगा गिफ्ट। पाँच नंबर है कि ज्ञान प्लस मतुप में कौन सा पद होगा, हाँ पद बताना है मतुप, तो यहाँ पर होगा ज्ञातवान। सानच प्रत्यय का उदाहरण है, सानच का गतवान, ठीक है। अयनमन में कौन सा प्रत्यय है, तो ल्यूट लकार। आगे है आपका आठ नंबर, ठक प्रत्यय कौन सा होता है, जमल्यम, आठ का ये होगा। नौ नंबर क्वेश्चन है, भवेत किस है ना लकार का रूप है, तो नाइन का ये होगा लट लकार, ठीक है। दस नंबर है वाची, वाची कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी। ग्यारह है आपका कि किम प्लस त्रल में कौन सा अवयव बनेगा, पुत्र बनेगा, ग्यारह का बी होगा। बारह है आपका कि पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय, तो कर्तृवृत्ति, बारह का ए हो जाएगा। तेरह है आपका कि हन प्लस धातु में लट लकार प्रथम पुरुष वचन के रूप कौन सा है, तो धनती, आपका तेरह का डी होगा। चौदह है, किस समास का उभय पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व उभय पद है ना, उभय मतलब दोनों, तो द्वंद्व समास। पंद्रह, किस पद में स्वर संधि है, तो संयम, पंद्रह में ए होगा। सोलह है, कणकणम कंगणम का संधि विच्छेद क्या है, तो कन प्लस कणम। एतद श्रुत्वा की संधि क्या होगी, तो छुत्वा है ना, सत्रह का बी। अठारह है, कर्णस्य दानवीर पाठ किस ग्रंथ संग, कर्ण भारक रूप से, अठारह का ए। उन्नीस है हमारा कि वास्तव में अशांति कितने कारण है, तो दो, उन्नीस का ये होगा। बीस है, शास्त्रकारा पाठ किस शैली की है, तो प्रश्नोत्तर, बीस में बी होगा। इक्कीस है हमारा, दलित है ना ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है, दलित, तो आपका होगा अलस्य कथा। आगे, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश, बी हो जाएगा। तेईस है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम, तो मूल शंकर। चौबीस है, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए, तो गुरु जी की खोज में, चौबीस का बी होगा। पच्चीस है कि स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते पहुँच गए मथुरा। छब्बीस नंबर है, डीएवी विद्यालय की स्थापना 1883 ईस्वी में। मंदाकिनी का अर्थ क्या है, तो गंगा नदी, सत्ताईस में ये होगा। अट्ठाईस है, मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ है ना कि गंगा का वर्णन है, तो चित्रकूट की। उनतीस है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कवि कौन है, तो वाल्मीकि, उनतीस का सी होगा। तीस है, राम ने विलाक्षी तो सीता को, ए होगा। आगे है आपका, जनक है ना कि सभा में कौन थी, तो मैत्रेयी, इकतीस में ए। आगे है बत्तीस, मधुरा विजयम किसकी रचना है, तो गंगा देवी, बत्तीस का सी। तैतीस है, विश्व विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा वर्णित है, कवियों और शास्त्रकारों, तैतीस का सी। चौंतीस है आपका, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं, तो दो हो जाएगा। भारत महिमा पाठ में ज्ञान्ति देवी के लिए पद किस पुराण से संकलित है, विष्णु पुराण, पैंतीस का सी होगा। छत्तीस है कि भारत भूति सदा किससे सेवित है, तो इन सभी से, आपका डी हो जाएगा। सैंतीस है आपका कि गर्भधारण संस्कार का प्रयोजन किया था, इनमें सभी इसमें भी होगा, सैंतीस में। अड़तीस है, नगह समुद्र अस्तम गच्छन्ति, तो यहाँ कुत्र हर जगह, अड़तीस का सी होगा। उनचालीस है, मिथिला में विरवेश्वर कौन थे, तो मंत्री, उनचालीस का ए होगा। चालीस है, गोलघर कहाँ है, तो पटना में, चालीस का बी हो जाएगा। इकतालीस है आपका कि भवत शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या है, तो भवताम,
41 42 से तिष्ठति में धातु के अस था। आगे आपका है तुमुन, तुमुन प्रत्यय से बना हुआ कौन सा, तो हुन तुम राघव। आगे है 44 राघव में कौन सा तदति प्रत्यय, तो अन 44 का सी होगा। 45 है कि निपुणा में कौन सी स्त्री प्रत्यय, तो टाप 45 का डी होगा। 46 है व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संबंधित, हितोपदेश। आगे बाघ के हाथ में क्या था, कूस 47 का सी। 48 है व्याघ्रपति कथा में कुत्ते तवनपुरम किसका कथन है, तो बाघ का। किसके बिना ज्ञान भार है, तो क्रिया बिनम 49 का ए। 50 है साधु की स्त्रीलिंग क्या रूप है, तो साध्वी 50 का डी। 51 है मत प्लस तत्वा में कौन सा अवयव होगा, तो मथित्वा। 52 है सर्वदा में कौन सा तदित प्रत्यय है, तो थाल 52 का बी। 53 है रजक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो रजका 53 का ए। 54 है आपका अरुणनियान माहियान पदांश किस रीति पद होगा, तो महतो 54 का ए है। 55 है मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो 5। 56 है आपका पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहता, किसने कहा था, भगवान बुद्ध। 56 का ए हो जाएगा। 57 है ये काव्य है ना, काव्य मीमांसा के कवि कौन है, तो राजशेखर। 58 अलस कथा पाठ जो है किस ग्रंथ में संकलित है, तो पुरुष परीक्षा में 58 का सी। 59 है आपका कि अलस कथा कैसी कथा है, तो व्यंग्यात्मक कथा। 60 है अचुत्या कहाँ के राजा थे, तो विजयनगर 60 में ए होगा। 61 है स्वर्णमय पात्र में किसका मुंह ढका है, तो सत्य का 61 का बी होगा। 62 है आपका चंचला पद में कौन सी संधि है, तो व्यंजन। 63 है आपका किसमें पद अपनी अपनी व्यक्ति छोड़कर मिलते हैं, तो समास हो जाएगा 63 का बी। 64 है प्रजांतरम का विग्रह क्या होगा, प्रजा प्लस तंत्रम। 65 है आपका पृथक अव्यय योग में कौन सी व्यक्ति नहीं होती, तो द्वितीया 65 का डी। 66 है यश है ना, च भावेन लक्षणा सूत्र का उदाहरण क्या है, तो रुदित्र पुत्र पिता अपणम गता 66 में बी होगा। 67 है निक्सा अव्यय की जो कौन सी विभक्ति है, तो षष्टी। 68 है संभवम पद में कौन सा उपसर्ग था, सम 68 का ए होगा। 69 है धनुषा मूल शब्द क्या है, तो धनुष। अस्थि किस धातु का रूप है, अस का। तस्मिन पद का ना मूल रूप है तस्मिन, तस्मिन इत को कहते हैं। निवेदम पद में उपसर्ग क्या, निवेदम है ना, तो नी। किस पद में परी उपसर्ग है, परी ए हो जाएगा। 73 परी। 14 किस वाक्य में सप्तम्यधिकरणे च सूत्र में सप्तम व्यक्ति हुई है, यहाँ ए हो जाएगा 74 में। 75 इसमें भी पंचमी होगा 75 में। 76 है पश्चिम वृक्षम उपवासती, यहाँ भी कर्मणा द्वितीय हो जाएगा 76 का डी। 77 उक्त क्रम में कौन सी व्यक्ति है, तो प्रथमा। और नीलकंठ में ए हो जाएगा क्रमधार। 78 में किस पद में द्विगु समास है, तो सप्तमी में संख्या आ गया है ना। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष। 80 का ए हो जाएगा। 81 अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मरणोपरांत ना। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 3 82 का सी। 83 है समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो गुरु गृहस्थ से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो विवाह 84 का बी। 85 क्या है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ में संकलित है, विदुर नीति में। विद्या की रचा किससे होती है, तो सत्य से 86 का होगा। 87 है नीति श्लोका पाठ के तब सुख देने वाली क्या है, तो क्षमा। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है, तो 10। 89 है राम प्रवेश राम को है नक्षत्राणाम मध्यनम तपह का उपदेश किसने दिया, तो गुरु ने दिया था। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था, तो भीखन टोला 90 का डी हो जाएगा। 91 है कि अलस नाम कथा का समस्त पद क्या है, अलस कथा। तन मध्य पद में कौन सी संधि है, तो विसर्ग 92 का सी होगा। 93 है मुनियरम कितने वर्णों की संधि है, तो ये वाला हो जाएगा 93 का डी। पितरो पितरादेशा का सही संधि मिलेगा, तो पितृ प्लस आदेश 94 का ए। 95 निरोग की संधि विशेष, तो निरोग 95 का बी। 96 नरेशक की इस संधि का उदाहरण, स्वर संधि। 97 किस समास का प्रथम पद नकारात्मक है, तो नए समास का। वही अवयव जग में कौन सी विभक्ति है, तो पंचमी 98 का ए हो जाएगा। 99 है भित्रांतराम भयतु सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो बाल समर्पति विभेति 99 का सी। 100 है वी उपसर्ग में किस शब्द में, तो विवाह।
तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।